और मैं बहुत ही मतलब मैं तो ये कहूंगा हरदिल अजीज हमारा प्रधान कलवा इसके आवास पे और मेरे साथ आए यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहे ठाकुर राजेंद्र सिंह जी, यहाँ से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हाजी सलीम जी, हमारे चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, रामस्वरूप जी, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे सभी नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, बहुत सारी बात मेरे से पहले प्रधान जी ने कही। सच बात यह है कि 2014 से तो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है भाई, 10 साल तो हो गए केंद्र सरकार में और 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में भाई। ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और नीचे भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। क्या कोई भाई मुस्लिम भाई एक आदमी ये कह सकता है, कोई भी आदमी, कि भाई कोई ऐसी सरकार की योजना आई हो जो आम लोगों के लिए हो और जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये कुछ लगाया हो कि भाई यह हिंदुओं को ही मिलेगी, किसी मुसलमान को नहीं मिलेगी। बल्कि मैं तो एक बात कह रहा, शुरू करो आप शौचालय से, सबसे पहले शौचालय आए, फिर गैस के सिलेंडर दिए मोदी जी ने, जनधन का खाता खोला, उसके बाद आयुष्मान कार्ड दिए, उसके बाद शहरी आवास योजना आई उसमें घर दिए, फ्री राशन की योजना गरीबों के लिए लाए। अगर आप इस पूरे मुजफ्फरनगर में सर्वे करवा लो, सबसे ज्यादा लाभार्थी हमारे मुस्लिम भाई हैं इन सब योजनाओं। आपके पड़ोस में बुढ़ाना है हमारे बहुत, इस गांव के लोग वहां रहते होंगे, रिश्तेदार भी आप लोगों के बहुत रहते होंगे। अगर बुढ़ाने में 3000 घर बने ना, तो 2200 से ज्यादा घर मुस्लिम समुदाय के बने जो प्रधानमंत्री ने बनवाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय से कोई परेशानी होती तो जब केंद्र में भी हमारी सरकार, प्रदेश में भी हमारी सरकार, हमें कानून बनाने से कौन रोक सके भाई? हम कानून बना देते कि भाई नहीं, ये तो योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है। लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जैसा अभी मास्टर जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास।